ने मास्क लगाया हुआ है। आप तो वहाँ दिखाना जाएंगे, हर एक मजदूर को ट्रेन से एकदम सावधानी पूर्वक उतारा जाएगा और आप बताना चाहेंगे कि मजदूरों को उतारने के बाद उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के बाद वहाँ पर स्वास्थ्य के विभाग के अधिकारी मौजूद है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से किया जाएगा और इसमें जिसका रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आएगा तो उसे भोजन देकर बस के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जिसका रिपोर्ट, अगर किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसे तत्काल जो है एम्स के लिए रवाना किया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। सुप्रिया, लगभग कितने मजदूर और छात्र हैं जो रायपुर पहुँचने वाले हैं अभी कुछ ही देर में? राजधानी रायपुर में लगभग 84 जो मजदूर और छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और साथ ही वो जो मजदूर हैं उनके लिए यहाँ पर बस की व्यवस्था भी की गई है। बस की व्यवस्था जो है वो 4 जिलों में जाएगी तो उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचा कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और उन्हें उनके क्षेत्र तक ही छोड़कर जो है बस वो आएगी यहाँ पर। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए, यहाँ पर जगह जगह पर जवान मौजूद है, भगदड़ ना मचे इसलिए यहाँ पर व्यवस्था भी जो है उनका भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। यहाँ पर काफी जवान तैनात है, उनको अभी कुछ देर पहले ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं जी। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो हालात काफी अच्छे हैं और जब बाहर से मजदूर या फिर छात्र पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। रास्ते में ट्रेन में क्या कुछ सावधानियां बरती गई हैं, इस बात का भी क्या पता चला है अभी? अभी ट्रेन में तो सावधानियां भी बरती गई है, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो कराया जा रहा है और साथ ही छत्तीसगढ़ में अभी जो स्थिति है वो अच्छी है कोरोना को लेकर। तो यदि एक साथ मजदूर आते हैं और अगर इनमें से कोई पॉजिटिव निकलता है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गंभीर बात हो सकती है, लेकिन अभी जो है टेस्ट सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही स्वास्थ्य कर्मी भी जगह जगह पर मौजूद है और लगातार जो है मजदूरों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले तो वहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सैनिटाइजर टनल के माध्यम से मजदूर प्रवेश करेंगे, उसके बाद उनका एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा, उसके बाद एक एक करके मजदूरों की जांच करवाई जाएगी। जांच करवाने के बाद उनका रिपोर्ट यदि निगेटिव आता है, निगेटिव आने के बाद उन्हें खाने की व्यवस्था उसके थोड़ी देर बाद की गई है, खाने की व्यवस्था के साथ ही वो उनके लिए बस की व्यवस्था की गई है। और यदि बस जो है वहाँ पर 4 जिलों की बस खड़ी है तो इस बस के माध्यम से जो मजदूर है वो अपने गंतव्य स्थल रवाना होंगे और वहाँ पर उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जिसके माध्यम से वो वहाँ पर क्वारंटाइन में रह सकते हैं 14 दिन के लिए। और व्यवस्था तो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहने के बाद फिर बाद में वो अपने घर जाएंगे? जी बिल्कुल, क्वारंटाइन सेंटर में वो अपने ही क्षेत्र में रहेंगे, उसके बाद ही वो अपने घर जा सकेंगे। और इस तरह की जो व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है क्योंकि कोरोना को लेकर जो छत्तीसगढ़ में स्थिति अच्छी है तो इस तरह से प्रशासन के द्वारा भी काफी जो पहल है वो की जा रही है जी। सुप्रिया, इससे पहले ये भी पहल की गई थी कि जिस जिले में व्यक्ति रहता है उसी जिले में क्वारंटाइन न करके कहीं और किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये व्यवस्था भी तो की जा रही थी लेकिन जो मजदूर हैं वो लगातार अभी आने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मजदूर आज जो है 84 लोग जो यहाँ पर आएंगे और साथ ही इसके साथ मजदूरों की संख्या बढ़ सकती है और अगर ऐसे ही अगर रायपुर में ही सबकी व्यवस्था की जाएगी तो हो सकता है कि क्वारंटाइन सेंटर की कमी हो जाए। तो इस तरीके से कमी ना हो करके उसे देखते हुए उन्हीं के क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है और उन्हें क्वारंटाइन उन्हीं के क्षेत्र में किया जाएगा जी। और सुप्रिया, अब कितना समय और बाकी है जब ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी? ट्रेन बस कुछ ही देर में पहुंचेगी, तेलंगाना से जो लिंगमपल्ली श्रमिक स्पेशल ट्रेन है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है और फिर उनके पहुंचने के लिए जो इंतजाम है वो किए गए हैं। एक एक तो मजदूरों को बड़ी सावधानी से उतारा जाएगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। यहाँ रेलवे स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए स्टीकर भी लगाए गए हैं और उसी स्टीकर पर मजदूरों को खड़ा किया जाएगा और इस तरीके से वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे वहाँ पर
आईजी जो है रायपुर के आईजी मौजूद है वहाँ पर, जो पुलिस कर्मियों को जो है प्रशिक्षण दे रहा है कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। और साथ ही वहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि रायपुर एसपी सुप्रिया यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। इस बीच एक राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। आपको बता दें कि 53 नए मामले सामने आए हैं। डिस्चार्ज के पहले इलाजरत मरीजों की दोबारा जांच होगी, चार इलाजरत मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, चारों को छोड़कर 49 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। तो एक बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां अब तक सबसे ज्यादा आज कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। आपको बता दें कि जो लोग ठीक हो गए थे और एक और आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें कि जो संख्या है वो बढ़कर अब 54 हो गई है। तो आपको बता दें कि एक और मरीज बढ़ गया है इसमें, भोपाल में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज आपको बता दें कि आज पाए गए हैं, 54 मरीज हो गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दुर्गेश, भोपाल के लिए ये एक बहुत बड़ी और बुरी खबर भी कह सकते हैं कि आज सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में अब तक में सबसे ज्यादा मरीज आज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसमें 54 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज राजधानी भोपाल में पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट इलाके जहांगीराबाद और ऐशबाग बुधवारा के सबसे ज्यादा मरीज बताए जा रहे हैं। दुर्गेश, जिन लोगों के दोबारा से जांच करने की बात कही जा रही है, क्या वो पहले ठीक हो गए थे उसके बाद से उन्हें कोरोना हुआ है क्या? अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि ये जो चार लोग हैं, चार लोगों का इलाज चल रहा था चिरायू अस्पताल में, मगर जब इनका समय अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद इनके दोबारा सैंपल लिए जाते हैं और दोबारा सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। जब इनके सैंपल दोबारा लेकर जांच के लिए भेजे गए तो वहां पर फिर से इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बहरहाल अभी इन लोगों का इलाज चल रहा है। जी, तो दुर्गेश, ऐसे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो और ज्यादा चिंता भय होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि लॉकडाउन खुलने में अब मात्र एक हफ्ता जहां बाकी है, वहीं जो आंकड़ा है वो एक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका। और रायपुर से हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे भी जुड़ी हुई थी। सुप्रिया, जैसे कि हमने शुरुआत से ही देखा कि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों के अलावा कुछ अलग ही इंतजाम किए गए थे, और जिसका वो भी रिजल्ट भी हमने देखा कि काफी जो संख्या है वो काफी कम है छत्तीसगढ़ में, हालात काफी बेहतर है। अब बाहर से लोग आए हैं, क्या कुछ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि जो आंकड़ा है वो और ज्यादा ना बढ़े? सुरक्षा के तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य के विभाग के जो अधिकारी है वो मौजूद है, साथ ही पुलिस जवान भी है वो भारी संख्या में मौजूद है। तमाम जो एहतियात बरती जानी चाहिए, जैसे कि मास्क और ग्लव्स, इस तरह के जो एहतियात है वो पुलिस कर्मियों ने जो अपने साथ पहना हुआ है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य कर्मी जो है वहाँ मौजूद है, और साथ ही वहाँ पर एक एक मजदूरों को सावधानी पूर्वक उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बताया जाएगा, और महत्व बताने के साथ ही उन्हें डिस्टेंसिंग में भी रखा जाएगा। क्योंकि हालांकि भारी संख्या में जो मजदूर आ रहे हैं तो अव्यवस्था भी बन सकती है, अव्यवस्था को जो है अच्छे से मतलब व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहां पर आईजी जो है और कलेक्टर, साथ ही एसपी जो है वो मौजूद है, और साथ ही ये सभी जो है पुलिस कर्मियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था जो है उसकी अनदेखी नहीं चलेगी, क्योंकि मजदूर हैं वो भारी संख्या में आएंगे, तो उस तरीके से उनके लिए एक एक को रोक कर एक एक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना और एक एक मजदूर को सैनिटाइज करना, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों के द्वारा। जी, चलिए सुप्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आप और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।